हेलो फ्रेंड्स, चलो बनाते हैं एक सिंपल सी राखी। इसके लिए मैंने फैंसी कलावा लिया है। राखी सिंपल बना रही हूँ पर कलावा फैंसी लिया है। उसको डबल करने के बाद मैं एक साइड से नॉट बांध लूँगी और टेप की हेल्प से मैं टेबल पर पेस्ट कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसमें पर्ल या बीड्स इंसर्ट करने हैं। और इसके लिए मैंने सुई धागे की हेल्प से उसके दूसरे साइड को कुछ इस तरीके से नॉट टाई कर लिया है, जिससे कि बीड्स को ईजीली इंसर्ट किया जा सके। ये देखिए, आपकी बहुत ईजी तरीके से इंसर्ट हो गए हैं। और इसके लिए मैं पहले 3 स्मॉल जो पर्ल बीड्स हैं उनको इंसर्ट करूँगी, और जब ये बीड्स इंसर्ट हो जाएंगे तो मैं अपोजिट साइड से इसमें नॉट टाई कर लूँगी, क्योंकि दूसरी साइड तो मैंने सुई धागा लगाया हुआ है तो वो चुभ सकता है। और नॉट टाई करने के बाद जो इसके अलग बीड्स हैं, जो अब ये तो एक था ना कि कॉर्नर से साइड से दिखने हैं, तो कुछ अलग लिए हैं। अब इसके बाद मेरे पास ये भी रखे हुए थे जो इस तरीके के बीड्स हैं, अलग अलग पैटर्न के थे, तो मैंने इनको जैसे मुझे ठीक लगा कि कौन सा पैटर्न मैं बना सकती हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं इंसर्ट कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, या फिर आप इसमें कोई भी किसी भी तरह के बीड्स जो हैं आपके पास पड़े हों वो आप यूज़ कर सकते हैं। जब ये सारे बीड्स मैं इसमें इंसर्ट कर दूंगी तो फिर मुझे एक दोबारा से नॉट टाई करनी है, बांधनी है, जिससे कि ये ना आगे पीछे ना हो या हिले नहीं। तो जब ये सारे बीड्स इंसर्ट हो जाएंगे इसमें गिठा लगाने के बाद, फिर जैसे कि मैंने अपोजिट साइड में 3 पर्ल बीड्स लिए थे, उसको एक एक सीक्वेंस में हम कह सकते हैं दिखाने के लिए या कि अलग ना लगे, फिर दोबारा से मैं इसमें 3 पर्ल बीड्स जो है इंसर्ट करूँगी। ये जब सारे बीड्स इंसर्ट हो जाएंगे तो फिर इसके बाद फिर दोबारा से मैं एक और इसमें नॉट टाई कर लूँगी। गिठा लगाने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा मतलब कलावे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इक्वल उसमें मैं सीजर की हेल्प से कट कर लूँगी। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी एक सुंदर सी राखी रेडी हो गई है और बहुत सिंपल थी। तो बताइएगा कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।